स्टूडेंट्स चलिए आज हम चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करते हैं साइंस का दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो चैप्टर को और इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं चैप्टर को और इजी बनाने के लिए हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एक है कार्बन और दूसरा है इट्स कंपाउंड तो पहले हम कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं बाद में उसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहले ये पता करते हैं कि कार्बन क्या है कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल है कैपिटल सी और इसकी अटोमिक नंबर है फोर सॉरी इसका अटोमिक नंबर है सिक्स तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा टू एंड फोर इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के आउटर मोशेल में आउटर मोशेल में फ़ोर इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जिस भी एलिमेंट के आउटर मोशेल में फ़ोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड यानि कि ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा नीदर इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स नॉर इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन ये जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कोवलेंट बॉन्डिंग करता है ये इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि इसी के बेसिस पे इसके और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला क्या है कि कार्बन एक नॉन मेटल है बहुत ज़्यादा एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा क्रस्ट पर नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्यों है क्योंकि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम इज मेड अप ऑफ कार्बन एवरी एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम रिक्वायर्स कार्बन ठीक है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक नॉन मेटल है पहली बात ये मैंने बता ही दिया कि इसका जो सिंबल है दैट इज कैपिटल सी ये भी मैंने बता दिया कि इसका अटामिक नंबर है सिक्स ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है क्योंकि सिक्स अटोमिक नंबर होने की वजह इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे अटोमिक नंबर इसका अटोमिक नंबर सिक्स होने की वजह से ही ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है अटोमिक नंबर सिक्स है तो इसके आउटर मोशल में फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉन्फिग्रेशन हो जाता है टू और फोर और ये जो आउटर मोशियल में फ़ोर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ठीक है देन जिसके आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे टेट्रावेलेंट। तो समझ में आया वाई टेट्रावेलेंट टेट्रा मींस फोर तो ये टेट्रावेलेंट है कार्बन एंड नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स इज क्या है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड इट डज नॉट मेक आइनिक बॉन्ड ये करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग और जो उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन कैटिनेशन मीन्स सेल्फ कॉम्बिनेशन यानी कि कार्बन कार्बन के साथ मिलके भी कंपाउंड बना सकता है इट हैज़ द एबिलिटी टू कंबाइन विद अनदर कार्बन और इस तरीके से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंडस बना सकता है क्योंकि बिकॉज इट है इट इज़ अ नॉन मेटल बिकॉज इट हैज़ अ नंबर सिक्स तीसरी बात ये टेट्रावेलेंट है फोर्थ ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है और लास्ट कैटिनेशन दैट इज सेल्फ कॉम्बिनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग की भी एबिलिटी डायमंड सॉरी सेल्फ लिंकिंग की एबिलिटी भी कार्बन के अंदर है फाइन तो ये बिल्कुल बेसिक था जो हमने कार्बन के बारे में डिस्कस करा नाउ अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक अकरेंस ऑफ कार्बन तो यदि हम कार्बन को देखना चाहते हैं नेचर में इफ़ यू वॉन्ट टू सी कार्बन तो वो हमें कैसे अवेलेबल होगा हाउ डज़ द कार्बन अकर्स इन नेचर तो इट अकर्स इन टू स्टेट या तो वो फ्री स्टेट में मिलेगा आपको या फिर वो मिलेगा कम्बाइंड स्टेट में जब कार्बन फ्री स्टेट में अवेलेबल होगा तब यू तब ये तीन फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकेगा फर्स्ट वन इज़ डायमंड तो ये डायमंड जो है दैट इज़ अ कार्बन इन फ्री स्टेट डायमंड सेकेंड इज ग्रफाइट थर्ड वन इज बकमिंस्टर फ्लोरेंस ये जो थर्ड एलोट्रो इसको हम कहते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यानी कि द फ्री स्टेट्स ऑफ कार्बन फाइन द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ दैट एलिमेंट ठीक है तो ये जो डायमंड है और ग्रेफाइट है इसके बारे में हम फिर भी सुनते हैं बट इसके बारे में पहली बार सुना है बकमिस्टर फुलनेस के बारे में शायद आपने तो ये कैसा है ये कैसा uh, कार्बन है जो फ्री स्टेट में मिलता है इट हैज़ सिक्स कार्बन एटम्स तो इसकी बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले हैं क्योंकि ये जो कार्बन का एलोट्रॉप है ये बहुत नोन नहीं है इट इज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड और हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे तो बेसिक जो हमारे सिलेबस का पार्ट है दैट इज़ डायमंड और ग्रेफाइट तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं और कम्बाइन स्टेट की अगर हम बात करें तो ये तो अकेला सिर्फ कार्बन ही है बट ये किसी और के साथ भी कंबाइन हो सकता है और फिर बहुत सारे ये कंपाउंड्स बना लेता है तो कंबाइन स्टेट में भी ये बहुत तरीके से अवेलेबल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बोनेट्स हो गया जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीनस वुड कॉटन वूल एट्सेट्रा इन सब में जो कार्बन है वो कम्बाइंड स्टेट में मिलता है बट अकेला अगर आप कार्बन देखना चाहते हैं फ्री स्टेट में देखना चाहते हैं तो इट विल बी अवेलेबल इन डायमंड ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुल रेंस तो अभी हम सिर्फ इसको उठा लेते हैं डायमंड को और ग्रेफाइट की क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायमंड और ग्रेफाइड को डिस्कस करते हैं तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द फ्री स्टेट ऑफ कार्बन यानी कि इसको हम एक और चीज़ कह सकते हैं एलो ऑफ कार्बन इसको हम क्या कहेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तो लेट अस नाउ डिस्कस द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तो देखो बच्चों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट को डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों ही सिर्फ कार्बन से बने हैं इनके अलावा और कुछ नहीं है इनके अंदर सिर्फ कार्बन ही कार्बन है तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जब हम इसकी स्ट्रांग हीटिंग करेंगे डायमंड की या फिर हम ग्रेफाइट ग्रेफाइट को भी बर्न करते हैं हीट करते हैं तो क्या होगा इफ वी बर्न डायमंड और ग्रेफाइट इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ फॉर्म्ड ठीक है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड ठीक है तो इससे ये पता लगता है कि इसके अंदर सिर्फ कार्बन है जब उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और बस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ गया तो कुछ भी पीछे एश लेफ्ट बिहाइंड नहीं रहता है फाइन सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले हम डायमंड के स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो डायमंड का स्ट्रक्चर बच्चों कैसा है ये सब पहली बात तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जाना जाता है आज तक इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन बहुत हार्ड है फाइन और हैरानी की बात है कि ये ग्रेफाइट है जिसका स्ट्रक्चर सेम है स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जिसका कॉम्पोजिशन सेम है यानी कि ये भी कार्बन से बना है और ये भी सिर्फ कार्बन से बना है ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है और इट इज़ द सॉफ्ट सब्सटेंस इट इज़ नॉट हार्ड मतलब हार्ड क्या ये तो इस तरीके से है कि इसको एज अ हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं इंजन ऑयल वगैरह में इसको एज अ लुब्रिकेंट डाला जाता है ये इतना ज़्यादा स्लिपरी है और ये उतना ही ज़्यादा हार्ड है देन द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड इज़ की इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं आप कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है और ग्रेफाइट है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही अपोजिट इसका फीचर है ये ठीक देन ये एक ही सब्सटेंस है और इट इज़ अ लाइटर सब्सटेंस देखो बिल्कुल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है जबकि कॉम्पोजिशन सेम है बट प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारा डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों आया लेटेस्ट डिस्कस ना हो वो डिफरेंस इसीलिए आता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट बच्चों अब ध्यान से समझेंगे कि जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके जो कार्बन आइटम्स हैं ये आप स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं इसका ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर है इसमें जो मैंने डॉट्स बनाए हैं दीज आर कार्बन आइटम्स तो ये जो कार्बन आइटम्स हैं ये चारों जगह से क्योंकि ये टेट्रा वैलेंट है इसकी वैलेंसी है फोर और ये चारों जगह से ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी पैक्ड है ठीक है तो ये कार्बन देन अगेन एक कार्बन फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन अगेन ये वाला कार्बन को देखते हैं तो ये भी पैक है वन टू ये भी वन टू थ्री फोर चारों जगह से ऑक्यूपाइड है तो इसमें तो कहीं स्पेस ही नहीं है किसी और चीज़ के एंटर होने की इसी वजह से जो डायमंड है इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मूव करने के लिए तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा बट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें जो कार्बन आइटम है ये चारों जगह से नहीं बल्कि ये तीन जगह से ऑक्यूपाइड रहता है ये हैक्सागनल फिगर बनाता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये क्योंकि हैक्सागदर फिगर बनाता है और इसमें अभी क्योंकि ये चार जगह से ऑक्यूपाइड नहीं है वन स्पेस इज टल एक इलेक्ट्रॉन में जगह है तो इसीलिए लिए यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है इसीलिए ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है इसीलिए इसका अपीयरेंस स्लिपरी है इसीलिए ये लाइटर सब्सटेंस है जबकि डायमंड इसका अपोजिट है बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर क्योंकि ये चीज़ के जो कार्बन आइटम्स हैं दे आर फुली ऑक्यूपाइड टेट्रावेलेंट है तो चारों जगह से वो ऑक्यूपाइड भी हैं फाइन सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट और जो मेन डिफरेंस है वो तो आपको पता ही है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रिलियंस है बहुत चमक होती है जबकि जो ग्रेफाइट है वो ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस है ये ट्रांसपेरेंट है और वो ओपेक है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बहुत डिफरेंस है सो so दिस जब कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं या कितनी टाइप्स के कंपाउंड कोई कार्बन बना पाता है ठीक है तो टाइप्स में तो बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि जो कार्बन है दैट इज़ टेट्रावेलेंट ठीक है और वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मेड बाय कार्बन तो जब भी कार्बन कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंडस ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर कोवेलेंट ठीक है और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब क्या है कि द फोर्स बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल इज़ नॉट वेरी स्ट्रोंग ठीक है और क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहा है तो दे आर मोस्टली दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि द कंपाउंड्स दैट आर मेड बाय कार्बन तो ऑर्गेनिक कम्पाउंड्स क्या है द कम्पाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड सो देर आर बेसिकली सिक्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय कार्बन फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोकार्बन हेलो हेलोवेल्किन एल्कोहल ऑल्डीहाइट्स कीटॉन्स एंड कार्बोजिलिक एसिड्स वी विल स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन फर्स्ट सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे देन विल विल डिस्कस ऑल अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन दैट इज हाइड्रो कार्बन तो वी विल डिस्कस दिस हाइड्रोकार्बन इन डिटेल टूडे तो सबसे पहले तो हम इस वर्ड को ब्रेक कर लेते हैं हाइड्रो दैट इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन यानि कि वो कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है तीसरा कोई भी एलिमेंट वहां पे अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स वो कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन इथेन इथिन इथाइन ये सब हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं क्योंकि ये सिर्फ दो ही एलिमेंट से मिलके बनते हैं दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन फाइन सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर एंड वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स नाउ सो देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड इसको आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी पढ़ सकते हैं तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है एल्केन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्कीन एंड एल्काइन सो वॉट आर एल्केन्स एल्किन्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द कार्बन कम्पाउंडस सॉरी द कार्बन एटम इज कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड जैसे ये कार्बन है इसको हम कनेक्ट करेंगे सिंगल बॉन्ड से आपको मालूम है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है ठीक है तो ये फोर लाइन्स फोर बॉन्डिंग तो हमें बनानी है ठीक है तो ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है विद एनी अदर एलिमेंट ठीक है एनी अदर मतलब हाइड्रोकार्बन है तो हम यहाँ हाइड्रोजन या कार्बन की ही बात करेंगे तो एल्केन ग्रुप में जो कार्बन आइटम है दैट इज कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड जैसे यहाँ पर हम एक और अगर कार्बन से भी कनेक्ट करेंगे तब भी सिंगल बॉन्ड आएगा ठीक है और दूसरी बात क्या है कि जो एल्के होते हैं उनकी नेमिंग करते टाइम जो नेम्स होते हैं उनके एंड में आता है एन मतलब एंड में क्या आएगा ए एन ई एन जैसे मिथेन इथेन देन प्रोपेन ब्यूटेन तो लास्ट में क्या आता है इनके नाम के एन अगेन आई एम रिपीटिंग एल्केन के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड पहली बात दूसरी बात कि इनकी नेमिंग करते टाइम क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इनके नेम के लास्ट में एंड में क्या आता है एन आता है और एक फार्मूला साथ में हम और ऐड कर लेते हैं दैट इज़ यूज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ़ दीज हाइड्रोकार्बन्स जैसे फार्मूला क्या है सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक है ये फार्मूला है इसका मतलब कि सी एन मतलब अगर कार्बन आइटम्स जैसे ज्यूम कर लेते हैं कि कार्बन आइटम्स हैं टू तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन आइटम्स कितने होंगे टू एन इज़ टू तो टू मल्टीप्लाई बाई टू प्लस टू यानी कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम्स दो होंगे तो हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे टू टू फोर एंड सिक्स ये फार्मूला बनेगा चेक कर लेते अगर कार्बन टू होते हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो, है? One, two, three, four, five, तो ये फार्मूला है इसी चीज़ को अप्रूव करने के लिए यू नीड टू लर्न दिस फार्मूला क्योंकि अभी आगे जाके हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन का नाव अन हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले है एल्कि एल्किस एल्किस वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं दे आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल लाइन देख रहे थे सिंगल बॉन्डिंग देख रहे थे बट यहाँ पे जो बॉन्डिंग है दैट इज़ डबल ठीक है दैट इज़ एल्कीन और जब इनकी नेमिंग करते हैं जैसे इसके लास्ट में एंड में एन आता है नेमिंग करते टाइम इसकी एंड में ईन आता है और अगर कार्बन और कार्बन की जो बॉन्डिंग है दैट इज़ ट्रिपल बॉन्डिंग अगर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो वो आते हैं एल्काइन ग्रुप में दो कंपाउंड्स कम इन एल्काइन ग्रुप और जब हम इनकी नेमिंग करते हैं तो उनके नेम के एंड में लगता है आइन जैसे यहाँ पे मीथेन मीथीन मिथाइन ठीक है देन मतलब आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल इथेन इथिन इथाइन फाइन प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर डबल बॉन्डिंग है या ट्रिपल बॉन्डिंग है एल्कीन है सॉरी अगर प्रोपीन है दैट मीन्स कार्बन कार्बन में डबल बॉन्डिंग होगा अगर अ, अगर इथाइन है दैट मीन्स कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग होगा अगर मीथेन है एन है दैट मीन्स सिंगल बॉन्डिंग होगा लाइक एल्केन्स, एल्किन्स और एलकाइंस ऑल्सो है फार्मूलाज एल्कीन का फार्मूला है सी एन एच टू एन और एल्काइंस का है सी एन एच टू एन माइनस टू बच्चों जो केमिस्ट्री है इट हैज़ टू ब्रांचेस. वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द अदर इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं यानी कि हम उन केमिकल कम्पाउंडस की बात करते हैं देट आर नॉट कार्बन बेस्ड तो ये जो कम्पाउंड्स होते हैं इनका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है इट वन fine it was about inorganic chemistry now we are moving to organic chemistry kyunki hum carbon and its compound ko padh rahe hain so we are dealing with organic compound so तो organic compounds deals with carbon compound तो कार्बन compound have their molecular formula, जैसे मान लेते हैं ब्यूटेन है तो इसका formula है C4H10. ऑर्गेनिक तो कंपाउंडस का अपना एक मॉलिकुलर फार्मूला है बट ये जो एक मॉलिकुलर फार्मूला है सिंगल मॉलिकुलर फार्मूला है इट रिप्रजेंट टू और मोर डिफरेंट कंपाउंडस मतलब सेम कार्बन कैन बी अरेंज इन डिफरेंट वेज जब डिफरेंट वेज से इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा एंड इट विल गिव राइज टू डिफरेंट कंपाउंडस सो वी विल गो टू द डिटेल ऑफ दीज ईजोमर्स बट बिफोर दैट वी विल लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इजोमर्स इजोमर्स क्या है द ऑर्गेनिक कम्पाउंडस हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है चलिए बच्चों ब्यूटेन के ही हम इजोमर्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले ब्यूटेन का फार्मूला है सी फोर एच टेन कार्बन बेस है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ठीक है तो ये सी फोर एच टेन ब्यूटेन का फार्मूला है इसको हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं वी कैन अरेंज दीज कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एलिमेंट्स इन सच अवे जैसे देर आर फोर कार्बन एटम्स तो हमने इसको लॉन्ग uh, चेन में स्ट्रेट चेन में अरेंज किया फाइन एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है इसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस इज ईजोमर ऑफ ब्यूटेन आइजो ब्यूटेन मतलब इसमें हमने ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर डेवलप करा है तो सेम फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं दीज आर नोन एज ईजोमर्स तो अब तक जो हमने इजोमर्स के बारे में पढ़ा अगर हम उसको कंक्लूड करें तो व्हाट विल बी द कंक्लूजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑल द टॉपिक अबाउट ईजोमर दैट वी हैव डन सो वी कंक्लूडेड दैट इजोमर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेकेंड पॉइंट इजोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन्स हैविंग फोर और मोर कार्बन कंपाउंड्स तो इसका मतलब नो इजोमरिज्म इज पॉसिबल इन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन टू और थ्री कार्बन एटम्स दैट इज मिथेन इथेन प्रोपेन इनमें इनके इजोमर्स बनाना मुश्किल है नहीं बनेंगे इजोमरिज्म इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दीज कंपाउंड्स नाउ लेट लेटेस्ट मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन तो हम पेंटेन के इजोमर्स ड्रॉ करते हैं वी विल ड्रॉ थ्री इजोमर्स ऑफ पेंटेन तो पहले तुम स्ट्रेट चेन बनाएंगे सबसे पहले सी 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 वन टू थ्री फोर फाइव ये इजी स्ट्रक्चर है बड़े आराम से हम इसमें हाइड्रोजन को अरेंज करते हैं स्ट्रेट चेन में सो सी फाइव एंड एच ट्वेल्व तो ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है स्ट्रेट चेन सेकेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें हम बनाएंगे ब्रांच चेन नाव वी विल टेक फोर कार्बन एटम्स पहले फाइव थे वी विल टेक फोर कार्बन एटम्स इन अ चेन और एक कार्बन एटम को हम ब्रांच बना लेते नाउ अरेंज द हाइड्रोजन एटम्स हे सो दिस इज द अदर स्ट्रक्चर एन अदर स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन इट इज एन इजोमर ऑफ पेंटेन

वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टस तो दिस इज द सेकेंड इजोमर ऑफ़ पेंटें दिस इज अनदर स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेंट फाइन सो वी कैन अरेंज सेम कार्बन एटम्स सेम हाइड्रोजन ऐटम्स इन डिफरेंट स्ट्रक्चर नाउ लेटस मेक द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इजोमर ऑफ एक्सिन अगेन हम क्या करेंगे सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं सिक्स कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में बनाते हैं विल अरेंज हाइड्रोजन एटम्स सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लॉन्ग चेन बना लें उसके बाद हम एक एक करके कार्बन एटम्स कम करते रहें और उस लॉन्ग चेन के अंदर और उसको ब्रांच में डालते रहें जैसे अभी हमने ये एक स्ट्रेट चेन बनाया ये एक फर्स्ट स्ट्रक्चर है हेक्सेन का नॉर्मल हेक्सेन है ये ठीक है अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं एक कार्बन यहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसको यहाँ पे कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं पहले ऊपर स्ट्रेट चेन में सिक्स कार्बन एटम्स थे नाउ देर आर फाइव कार्बन एटम्स सिक्स कार्बन एटम को हम नीचे ले आए ब्रांच बना दिया है सो दिस इज द सेकेंड इजोमर ऑफ एक्सेन नाउ लेटेस्ट मेक अ थर्ड इजोमर ऑफ एक्सेन अब हम क्या करेंगे नाउ अगेन वी विल रिमूव वन कार्बन एटम फ्रॉम हेयर ठीक है और उसको कहीं और ऐड कर देते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया इट विल बी इट विल बी ईजी टू मेक स्ट्रक्चर लाइक दिस दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन अगेन वट वी कैन डू अब यहाँ से फिर मतलब लास्ट लिमिट जो है हमारी दैट विल बी टिल वी हैव थ्री कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन फाइन अगेन दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ एन इजोमर ऑफ एक् सेन तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जबकि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है एलिमेंट सेम है उसके अंदर बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है दीज आर नोन एज द इजोमर्स विद दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर दीज इजोमर्स मेंव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सो ना द टॉपिक इज क्लियर बाय